नमस्ते सखियों, कैसे हैं आप सब लोग? सब कुशल मंगल, सब बढ़िया। सिलाई सखी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो सखियों, आज के वीडियो में जो हम सीखेंगे, आस्तीन की कटिंग सीखेंगे। हाँ, हमारे पास बहुत सारे कंप्लेन आते थे कि हमारा आस्तीन जो है फ्रंट पार्ट बैक पार्ट उल्टा हो जाता है, तो कमेंट में भी आता था, व्हाट्सएप में भी आता था। आज इसलिए हम ये वीडियो लेके आए हैं कि जो फ्रंट पार्ट में हमारा दोनों फ्रंट पार्ट में आना चाहिए, तो इसके लिए हमने ये पेपर यूज किया है प्रिंट वाला। तो अगर आपके पास ऐसे अगर प्रिंट का ब्लाउज है तो कैसे आगे पीछे हो जाता है, उसकी जानकारी हम देंगे आज। अगर जैसे सेम है तो चल जाता है, अगर प्रिंट वाला रहा तो हम कैसे हमारा एक फ्रंट पार्ट बैक पार्ट में चला जाता है, तो उसकी जानकारी आज हम देंगे। आप बीच में वीडियो को छोड़ कर नहीं जाइएगा, पूरा देखिएगा। चलिए, समय न गंवाते हुए हम शुरू करते हैं। तो सखियों, ये पेपर हमने लिए हैं, तो एक तरफ हमारा प्रिंट है और दूसरी तरफ हमारा ऐसा प्लेन है। तो ये पेपर में हम आपको प्रिंट वाले में बताएंगे, इसके बाद हम आपको कपड़े में भी बताएंगे प्रिंटेड कपड़े में कैसे आस्तीन कटिंग होता है। तो ये हम क्यों बता रहे हैं कि आप इस ऐसे पेपर लेके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, जब प्रिंट रहता है हमारा कपड़ा तो दोनों आमने सामने होना चाहिए। जब हम दो आस्तीन निकालते हैं तो कपड़े को इस प्रकार से फोल्ड करते हैं, तो देखिए दोनों प्रिंट हमारा आमने सामने हुआ ऊपर नीचे, तो ऊपर कैसा प्लेन हो गया, देखिए दोनों तरफ प्लेन है। तो इसमें हम आस्तीन निकालेंगे, तो आस्तीन अभी देखो इसको हम इस तरफ से फोल्ड करेंगे, देखिए इस तरफ से हम पूरा फोल्ड करेंगे। तो देखिए हम यहाँ से भी यहाँ से आकर शेप देंगे और यहाँ हमारा खुला हुआ है, तो इसको हम इस प्रकार से घड़ी करके अच्छे से, यहाँ पर हमारा घड़ी आ रहा है तो दो आस्तीन हमारा निकलेगा, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे कि बहुत लोगों को आस्तीन कटिंग करने में दिक्कत आती है, तो हम आस्तीन कितना लें। तो जो हम आपको चार्ट दिए हैं तो वो चार्ट में आपको चौथा भाग यूज करना है। तो जो बहुत सखियों के पास चार्ट है, जिन सखियों के पास चार्ट नहीं है तो स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है हमारा उस पर आप व्हाट्सएप पे हाय भेजिए। तो देखिए ये हमारा जैसे कि चेस्ट का नाप होता है, तो इसमें चार नंबर दिया है गिनती से, तो ये चौथा भाग है, तो जितना आएगा उतना आपको लेना है चौथा भाग में, इसमें कुछ मार्जिन नहीं मिलाना है। तो इस प्रकार से आप चेस्ट का चौथा भाग, कोई भी साइज का बनाते हैं तो चेस्ट का चौथा भाग आप ले सकते हैं। तो चलिए अब इस पेपर में हम आपको बताएंगे, देखिए हमारा ये प्रिंट हुआ है तो इसमें हम दो आस्तीन लेंगे, तो सादा हमारा इस तरफ है तो ये आमने सामने होना चाहिए प्रिंट वाला पार्ट। ये देखिए दोनों हमारा आमने सामने है, तो ऊपर कैसा प्लेन आ गया, ठीक है। अब इसको हम इस प्रकार से फोल्ड करेंगे, तो बंद घड़ी हमारे तरफ आया और यहाँ पर खुला हुआ है, ठीक है। तो हम एक जिसे की नाप ले लेते हैं, जैसे 30 इंच का हम बाहीं बता रहे हैं, तो यहाँ से जैसे कि 30 का चौथा भाग हमें लेना है, तो 30 का चौथा भाग कितना आएगा, 7.5। अगर जैसे कि अगर आपका चेस्ट 32 का है तो उसका 1/4 आएगा 8, तो अगर 34 का हुआ तो 8.5 होगा। अगर 36 का अगर आपका चेस्ट है तो 9 इंच आएगा, तो ऐसे अगर 38 का है तो 9.5 आएगा, 40 का हुआ तो 10 आएगा, अगर जैसे 42 का हुआ तो 10.5 आएगा। तो इस प्रकार से आपको लेंथ में लेना है, जैसे ये लंबाई हमारा है तो इस लंबाई में आपको इस प्रकार से मेजरमेंट करना है। तो आपके पास चार्ट है, आप चार्ट में देख सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, चौथा भाग निकाल सकते हैं, या आप मोबाइल से भी देख सकते हैं। तो आप यहाँ तक समझ गए, तो ये लेंथ में हमने बोला, ये जो लेंथ हम बता रहे हैं ये हमारा आर्मोल में जॉइंट होगा, इस प्रकार से यहाँ से शेप देंगे तो हमारा आर्मोल में जॉइंट होगा, ये समझ गए। अब ये होता है यहाँ पे चौड़ाई, ये चौड़ाई है, हम कितने इंच का बाहीं पहनते हैं, जैसे अस्तर का ब्लाउज हुआ तो हम 1 इंच बढ़ाते हैं, बिना अस्तर का हुआ तो हम 1.5 इंच, क्योंकि फोल्डिंग में जाता है। तो देखिए ये ब्लाउज हम बना रहे हैं 4 इंच का, तो यहाँ से हम 5 इंच लेंगे, तो 5 इंच हमारा यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो अब देखिए 5 इंच आ रहा है, अब इसमें हमें शेप देना है, तो आप बोलते हैं ना कि ये हम कितना शेप दें, तो देखिए यहाँ से आपको 2.5 इंच में शेप देना है। अगर 4 इंच बाहीं आपका तैयार है तो यहाँ पे आएगा 2.5 पे निशान, और ये जो चीज़ है 2 इंच आपको लाइन इस प्रकार से सीधा लेना है, सीधा लिए।
अब जैसे 30 का वाही है तो इसमें कैसा दंड घेर क्या ये कम ज़्यादा रहता है, उस हिसाब से आपका जितना राउंड रहेगा आपको लेना है। तो समझो हमारा जो वाही है यहाँ पे 30 का है, समझोगा जैसे कि 9 इंच की गोलाई है तो 9 का हाफ कितना आएगा 4.5, तो हम यहाँ से 4.5 पे निशान लगाएंगे। तो ये जो 4.5 पे निशान लगा ये अपना फिटिंग नाप होता है। फिर उसके बाद हम 2 इंच मार्जिन रखते हैं तो यहाँ पे हम मार्जिन का निशान लगा देते हैं। देखिए अभी यहाँ से देखो ये मार्जिन का जो निशान है इसको हम इस प्रकार से इसमें मिला देंगे और ये हमारा ये तो कट के निकल जाएगा पर 2 इंच आपको मार्जिन मिलेगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ से 1 इंच आपको नीचे आना है। देखिए ये जो हमारा होता है यहाँ तक सीधा ही रहता है तो ये छोटा वाही हम आपको बता रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे 1 इंच ले रहे हैं। जैसे 40-42 का हुआ तो आप यहाँ पे 1.5 इंच का पे निशान लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 इंच का वाही निशान लगाए हैं। अब आपको शेप देना है तो आप शेप कैसे देंगे, यहाँ से 2 इंच जो नीचे लिए थे अब इसको यहाँ से इस प्रकार से शेप देते हुए जहाँ हमारा 1 इंच हम निशान लगाए वहाँ पर मिला देना। फिर इसको आपको इस प्रकार से कर देना है, ठीक है, ये कर दिए। अब देखिए अब इसको हम आपको कटिंग करके दिखाएंगे तब हम इसके बाद आपको शेप देंगे। जो बताते हैं ना हमारा आगे पीछे हो जाता है तो पहले हम इसका कटिंग करेंगे। तो सखियों ज़रूरी जो पॉइंट हमारा है यहाँ पे आप नोट कर लीजिए। ये आपको आप बोलते हैं ना हम तो एक ही साइज बता रहे हैं लेकिन आप हर एक साइज का बना सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे 4 इंच का आस्तीन लिया तैयार तो हमने इसमें 1 इंच मार्जिन मिलाए। तो आप किसी का भी मतलब जैसे कि 28 का बना रहे हैं या 30 का बना रहे हैं, अगर ऐसा आस्तीन आप बना रहे हैं 4 इंच तैयार तो आपको यहाँ पे सेम आपको शेप देना है 2.5 इंच का। तो ये जैसे कि अगर आप 40 का बना रहे हैं तो भी आपको 2.5 इंच देना है। अगर आपका आस्तीन 4 पे तैयार है तो हमको 5 लेना है तो आपको यहाँ पे 2.5 इंच का शेप हर एक साइज में देना है छोटे आस्तीन के लिए। और जो हमने यहाँ से 2 इंच सीधा लिए ये आपको सब आस्तीन में लेना है, ये कंपलसरी है, ठीक है। आप देखिए ये जो दंड घेर होता है इसमें थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है और ये जो 2 इंच मार्जिन है ये भी आपको हर एक साइज में रहेगा। तो देखिए हमने यहाँ पे निशान नहीं लगाए थे तो ये हम यहाँ पे निशान लगा दे रहे हैं 2 इंच, ये देखिए सीधा। तो यहाँ से 2 इंच सीधा और ये आपका ये जो 2 इंच दिख रहा है ना ये आपका मार्जिन। अगर बाई चांस से अगर ये आपका जो दंड घेर ज़्यादा हो गया तो आप क्या करेंगे, यही पॉइंट से आपको इस प्रकार से ऐसा क्रॉस में लेना है। अगर कम हो गया तो ये और क्रॉस में जाएगा, अगर ये कम है तो इस प्रकार से आपको ये निशान लगा लेना है। तो यहाँ तक आप समझ गए। तो चलिए अब इसका हम शेप दे के फिर इसके बाद हम कटिंग करेंगे क्योंकि हमारा ये 2 आस्तीन निकल रहा है। तो सबसे पहले इसको हम क्रॉस में इसको कटिंग कर देंगे। यहाँ से आपका गोलाई आएगा, ये जो गोलाई हमने अभी बताया आपको 1 इंच कैसे साइज के ऊपर निर्भर करता है, बड़ा साइज हुआ तो थोड़ा बढ़ जाता है मार्जिन, ये आप समझ गए। अब देखिए यहाँ से हमारा ये सीधा आएगा, ये देखिए अब सीधा आया। अब हम आपको एक साथ हम जो शेप देते हैं ना आप लोगों का उल्टा सीधा हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, देखिए दोनों हमारा प्रिंट इसके सामने, अब हम क्या करेंगे एक पार्ट उठाएंगे इस तरफ से, ठीक है, ये देखिए उठा लिए। अब हमें शेप देना है तो हम शेप कैसे देंगे, इसको अच्छे से आपको लेना है, पेपर है थोड़ा आगे पीछे हो रहा है इसको हम सही कर रहे हैं। ये देखिए आपको यहाँ पे इस प्रकार से आप जैसे कि आपका ना आगे पीछे हो जाता है तो आप देख रहे हैं दोनों प्रिंट वाला जो है वो हम साथ में लिए हैं। अब यहाँ से हम इसको ऐसा शेप देते हुए ये देखिए ये निकाल दिए। अब क्या करना है, ये हमारा फ्रंट पार्ट है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कट लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा इस प्रकार से। अब इसको हम दोनों देखिए एक ही साथ में कटिंग किए तो आप लोगों को क्या होता था एक पीछे हो जाता था बैक पार्ट में चला जाता था। अब इसको हम खोलेंगे, अब ये देखिए ये प्रिंट वाला है, इसको हम इस प्रकार से फोल्ड किए, ये देखिए आगे फ्रंट में आया और इसको हम फोल्ड किए। तो आप देख रहे हैं ये जो हमने यहाँ पे ये कट लगाया तो हमारा दोनों फ्रंट पार्ट में आ रहा है और बैक पार्ट में देखिए हमारा ये पीछे जा रहा है, ये पॉइंट हमारा पीछे गया तो आपका जो हमने शेप दिए आगे आया। तो इस तरह से बहुत सारे हमारे पास कमेंट आ रहे थे कि हमारा ये पीछे चला जाता है तो इसमें हम गलती कहाँ कर रहे थे
कि इसको मैं कैसे भी हम काट लेते थे। तो आपको ध्यान देना, जब हम कपड़ा रखते हैं तो दोनों आमने सामने होना चाहिए। तो आप इसमें समझ गए, हम आपको कपड़े में भी दिखाएंगे। तो सखियों देखिए, हम कपड़े पर बता रहे हैं आपको, ये कपड़े क्यों बता रहे हैं और हम पेपर पे क्यों बताएं। पेपर हम इसलिए बताएं कि आप ऐसा पेपर लेके आप प्रैक्टिस करेंगे, फिर इसके बाद हम कपड़े पे, हम इसलिए आपको कपड़े पे भी दिखाएंगे। तो देखिए, जिधर हमारा प्रिंट है दोनों सीधा है, अब इसके ऊपर हम आस्तीन इसको कपड़ा रख दिए इसके ऊपर, तो दोनों हमारा उल्टा साइड हो गया और जो सीधा है अंदर गया। अब इसको हम इस प्रकार से फोल्ड करेंगे, फोल्ड कर दिए, देख रहे हैं, और ये बंद घड़ी हमारे तरफ है। तो आपको इसी तरह से फिर हम आपको मेजरमेंट करके बता रहे हैं, समझो जैसे कि हमें चार तैयार चाहिए इसमें। चलिए हम आपको बता दे रहे हैं, बिना अस्तर वाला अगर रहेगा तो यहाँ से 1.5 इंच का हम निशान लगाएंगे, ये देखिए ये 1.5 इंच का निशान लगे, आपका ये फोल्ड होगा। अब इसके बाद आपको आधा इंच मार्जिन मिलाना है। आधा इंच क्यों मिलाना है, जो हम आर्मोर में जॉइंट करते हैं। अब देखिए इसमें हम ये आपका हो गया फोल्डिंग। अब ये आपको लेना है अपने पसंद अनुसार, तो समझो आपको चार तैयार चाहिए तो यहाँ से 4.5 इंच पे मार्क करना है। तो 4.5 हमारा यहाँ पे आ रहा है और हम नीचे से भी देख लेंगे 4.5, ये देखिए 4.5 हमारा यहाँ पे आ रहा है। तो ये लाइन को हम सीधा कर लेंगे, इस प्रकार से लाइन को हमने सीधा कर लिए। अब देखिए इसमें हम एक हम साइज ले लेते हैं, जैसे कि 36 का साइज, 36 का 1/4 कितना आएगा, 9 आएगा, तो हम 9 पे निशान लगाएंगे। तो 9 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो देखिए 9 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है और जो बाकी बचा हम इधर कर दे रहे हैं। अगर ये देखिए इस प्रकार से हमने 9 इंच पे निशान लगा दिए। हाँ, अगर जैसे आपको जैसे कम ज़्यादा होता है तो आप थोड़ा बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने यहाँ से चेस्ट का चौथा भाग, जैसे 36 का साइज हुआ तो 9 आया, तो यहाँ पे आपको 9 लेना है। आप देखिए यहाँ से हमें 2.5 इंच का सेप देना है, तो देखिए यहाँ पे हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। तो अभी हमने आपको बोले ना कि हर एक साइज में आपको, जैसे कि कोई भी साइज बनाइए, अगर आपका आस्तीन जो छोटा है तो आपको 2.5 इंच का निशान लगाना है और यहाँ से आपको 2 इंच लेना है, ये 2 हुआ। तो समझो आपका दंड घेर, तो दंड घेर आपका कितना है, समझो 12 है, तो 12 का हाफ कितना आएगा, 6 36 के चेस्ट के लिए। अब इसके यहाँ से 2 इंच हमारा मार्जिन आएगा, ओके। अब देखिए अभी हमको सेप देना है, तो यहाँ से सवा, जैसे 36 का है तो यहाँ से हम 1.25 इंच पे निशान लगा रहे हैं। अब इसको हमें गोलाई देना है, इस प्रकार से हमने गोलाई देके सेप दे दिए हैं। अब देखिए यहाँ से हमारा जो 2 इंच था, ये निशान हमारा इसमें जाएगा फिटिंग वाले में, इस प्रकार से, और ये हमारा इस प्रकार से, और ये जो चीज़ है आपको इस प्रकार से करना है। तो चलिए अब इसका हम कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर हमने जो क्रॉस लिए, ये हमारा फोल्डिंग में जाएगा। देखिए ये जैसे कि बिना अस्तर का है तो इसको आपका फोल्डिंग में जाएगा, आधा इंच जो हमने बढ़ा के लिए थे तो यहाँ हमारा सिलाई में जाएगा। अब देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, 2 पार्ट ऊपर उठाएंगे, देखिए इस प्रकार से आपको उठा लेना है और फिर हम यहाँ पे सेप दे देंगे इस प्रकार से। तो ये गोलाई से आपको सेप दे देना है, तो देखिए हमने सेप दे दी। अब यहाँ पे हम ये कट लगा लेंगे, अब फिर हम आपको खोल के दिखाएंगे। इसको आपको इस प्रकार से खोल लेना है, ये देखिए, तो ये जो हमारा कट है फ्रंट पार्ट में आ रहा है सामने की तरफ। तो अगर आपके पास इस तरह से अगर कपड़ा आ रहा है, प्रिंटेड ब्लाउज है, तो आपको इस प्रकार से आस्तीन कटिंग करना है। तो ये आप समझ गए। अब हम आपको 2 इंच की बाही हम बताएँगे, 2 इंच की बाही हम कैसे कटिंग करते हैं। अब हम आपको बताएंगे 2 इंच का आस्तीन तैयार। तो अगर आपका 2 इंच आपको अगर आस्तीन तैयार चाहिए तो आपको कितना लेना है, 3 इंच लेना है। तो यहाँ पे हम 3 इंच का मार्क करेंगे और नीचे से भी 3 इंच का मार्क करेंगे। तो इसमें भी हम एक साइज लेते हैं, तो 32 का लेंगे, तो 32 का 1/4 कितना आता है, 8। तो हम यहाँ पर 8 इंच पर निशान लगाएंगे,
और नीचे से हमने 3 इंच पे निशान लगाया ऊपर से। अब ये लाइन को हम सीधा ले लेंगे इस प्रकार से। अब इसको हम कटिंग करके निकाल लेंगे। अब देखिए, अब यहाँ से हमें 2 इंच का तैयार चाहिए, तो हमने यहाँ पे 3 इंच लिए, 1 इंच हम बढ़ा के लिए। अब हमें यहाँ पे 1.5 इंच का निशान लगाना है। कितना लगाना है? 1.5 इंच। तो देखिए 1.5 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ से ऊपर से भी हम 2 इंच लेंगे। इसमें भी वही पोजीशन रहेगा आपका 2 इंच, और यहाँ से आपका 1 इंच रहेगा। तो इसको आपको गोलाई देते हुए इस प्रकार से मिला देना है। और आपका जो भी दंड गेड़ रहेगा, समझो 32 का है तो 10 है तो 10 का हाफ 5 आएगा, या 4.5 भी हो सकता है। देखिए यहाँ से 2 इंच आपका मार्जिन। अब इसको हम इस प्रकार से लेंगे, और ये मार्क हो गया। अब इसका हम कटिंग करेंगे। यहाँ पर हमारा फिटिंग आएगा। आप इसमें आप थोड़ा सेप दे सकते हैं। इस प्रकार से, तो ज़्यादा आपको सेप नहीं देना है। देखिए यहाँ पे सेप आया, तो 2 इंच का आस्तीन इस प्रकार से आपका तैयार होगा। तो सखियों, हमने छोटा आस्तीन सीखा 2 इंच का और 4 इंच का। अब हमें आपको जैसे कि अगर बड़ा आस्तीन बनाना है 3/4 या एल्बो तक, तो समझो हम एल्बो तक का बता रहे हैं। इसमें हम जैसे 12 इंच तैयार चाहिए, तो हमने यहाँ पे 13 इंच लिए हैं। देखिए यहाँ से 1 इंच बढ़ा के लिए। अगर 12 इंच हमें बाहीं तैयार चाहिए, तो आपके पास कैसा होता है लंबाई, आप कैसे बढ़ाएंगे? तो देखिए जो हम 4 इंच का बाहीं कटिंग किए थे, आपको इस प्रकार से रख लेना है। ये देखिए, तो अगर आप इस प्रकार से अगर आस्तीन रख ले रहे हैं और यही आस्तीन आपको बढ़ाना है, तो आप कैसे बढ़ाएंगे? तो हमारा जो यहाँ पे ये दंड घेर होता है, ये कम रहता है, और यहाँ से ये क्रॉस में आता है। तो और यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि हम एल्बो तक स्लीव्स बनाते हैं, या मतलब ये 2.75 पे मार्क होता है। जैसे हमने यहाँ पे 2.5 इंच किए, तो जैसे अगर हमने जैसे कि 3/4 बनाते हैं, तो यहाँ पे 3 इंच आएगा। ये हमने 2.5 लिए, तो जैसे कि बड़ा आस्तीन जैसे बढ़ता है 2.75 3 इंच इतना आप ले सकते हैं। तो ये मार्क करने के बाद इसको आप क्रॉस में रख सकते हैं। आपको बड़ा आस्तीन बनाना है तो इस हिसाब से ये रखने का है। और आर्मोल जो है अपना, यही ये जो अपना सेप दिए हुआ है यही रहेगा। थोड़ा सा हम गहराई और दे देंगे यहाँ पे। तो देखिए हम आपको करके दिखा रहे हैं। यहाँ से ये आप क्या करना है, ये हमारा फ्रंट पार्ट है और बैक पार्ट हमारा नीचे है। तो बड़ी आस्तीन कैसे हम बनाते हैं वो दिखा रहे हैं। जैसे छोटा आस्तीन आपके पास है, तो इसको हम बड़ा आस्तीन कर सकते हैं इस प्रकार से। हम देखो निशान लगा रहे हैं, यहाँ तक हमने निशान लगा दिए। अब यही निशान हमको इस प्रकार से यहाँ से हटा देंगे, और इसको क्रॉस में ले लेंगे। ये देखिए क्रॉस में ले लिए। अब ये आस्तीन हमारा हट जाएगा, इसको हम हटा देंगे। अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। हमें अब क्या करना है, ये इसको हमने 2.5 इंच लिए थे, आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ से हमारा ये 2.5 इंच पे है, तो हम क्या करेंगे, इसको 3 इंच पे लेंगे। तो 3 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ से हम इस प्रकार से सेप देंगे। सेप देते हुए हमें इसमें मिला देना है। और ये जो चीज़ होता है हमारा, ये कम रहता है, तो इसको ये क्रॉस में आएगा। तो आप इस आस्तीन के सहारे से आप ऐसा आस्तीन लंबा कर सकते हैं। सिर्फ आपको ध्यान देना है यहाँ पे हमारा जो ये सेप रहता है, जो हम सेप देते हैं, जैसे कि एल्बो तक हुआ, तो जैसे कि 6-7 इंच की बाहें हुआ, तो आप 2.75 देंगे। और उससे अगर बाहें अगर हमारा लंबा हुआ, तो आप यहाँ पे 3 इंच का मार्क कर सकते हैं। तो देखिए अब इसको क्रॉस में आपको इस प्रकार से निशान लगा देना है, क्योंकि हमारा यहाँ पे ज़्यादा रहता है, यहाँ पे हमारा कम रहता है। तो ये छोटे आस्तीन के सहारे आप ये भी आस्तीन बढ़ा सकते हैं। तो देखिए यहाँ से हमने 1/2 इंच और अंदर ले लिए हैं वो आस्तीन रख के। इसको आपको 2 इंच सीधा जाना है, फिर इसके बाद इसका गोलाई देना है आपको। ये देखिए, तो इसमें अपने को मेजरमेंट नहीं करना हुआ, हमारा आस्तीन वही था, हमें सिर्फ लेंथ बढ़ाना था। तो हम लेंथ कैसे बढ़ा दिए, आप देखिए। अब इसको खोल लेना है। खोलने के बाद हमें यहाँ फ्रंट पार्ट में थोड़ा सेप देना है। ये देखिए, तो हमने सेप दे दिए। तो इस तरह से आपका लंबी बाहीं बनके तैयार हो गया।
तो सखियों, आपने आज की क्लास में सीखा आस्तीन की कटिंग। तो ये आज की क्लास से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया छोटा आस्तीन निकालना। छोटा आस्तीन हुआ अपना 2 इंच का, आपको 1.5 इंच का शेप देना है। अगर हमें 4 इंच का आस्तीन बनाना हुआ कोई भी साइज का, तो हमें यहाँ पर 2.5 इंच का शेप देना है। अगर जैसे बड़ा आस्तीन निकालना हुआ तो यहाँ पर हम 3-3.5 इंच का शेप देना हुआ। तो इस प्रकार से आप किसी भी प्रकार का आस्तीन बना सकते हैं। तो जो प्रिंटेड का था उस खास करके हम उसके लिए बनाए थे वीडियो, कि जैसे कि जो प्रिंट का हमारा अगर ब्लाउज है अस्तर, मतलब जैसे कि सिंपल नहीं है, प्रिंट वाला आ गया, कभी हमारा उल्टा सीधा हो गया, अगर इसको हम छाटने जाएंगे तो हमारा जो आस्तीन है वो छोटा होते जाएगा, तो शेप में नहीं आएगा। एक बार जो चीज़ शेप में कटिंग हो जाता है फिर उसको बनाने जाओ तो बिगड़ते ही जाता है। तो इसके खास करके हमारा वीडियो था आज का प्रिंटेड साइड का, कि दोनों तरफ हमारा फ्रंट पार्ट में आना चाहिए। तो सखियों, आप लोग पेपर पे प्रैक्टिस कीजिए। जैसे हमने पेपर आपको बताया कि प्रिंटेड वाला पेपर ले लीजिए, उसको दोनों एक साथ रखिए, सेव दीजिए। आप पेपर पे प्रैक्टिस करके आप कपड़े पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। सखियों, आज का क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। हमारा काम ख़त्म हुआ, अब आपका काम शुरू हुआ। आप प्रैक्टिस कीजिए, समझिए, सीखे, सफल बने। मिलते हैं अगले क्लास में।